नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ पूजा। प्रदेश की राजधानी देहरादून के रेसकोर्स स्थित मैदान में चल रहे गांधी शिल्प बाजार खादी महोत्सव 2023 मेले का आज समापन होने जा रहा है। इस मेले में देश भर से आए हस्तशिल्पकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस मेले का आयोजन 14 तारीख से रेसकोर्स मैदान में किया जा रहा था और इसका आज आखिरी दिन है। इस मेले में 15 से 20 राज्यों के हस्तशिल्पकारों ने 60 के करीब अलग अलग स्टॉल लगाए हैं और इस मेले के आयोजक अनिल चंदुला ने बताया कि मेले में उत्तराखंड के साथ ही देश के कोने कोने से हस्तशिल्पकार पहुंचे हैं और लोगों में इस मेले को लेकर खासा उत्साह है। बता दें, इस मेले का उद्घाटन राजपुर रोड विधायक खजान दास ने किया। इस दौरान उन्होंने मेले में आए शिल्पकारों की मेहनत की सराहना की, साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी कारीगरी से बने सामान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल के माध्यम से घर घर तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस मेले में एपर, टेराकोटा, मधुबनी पेंटिंग, जूट से बने प्रोडक्ट्स के साथ ही वुलन के प्रोडक्ट्स भी लगे हुए हैं। रविवार को विधानसभा की स्पीकर रितु खंडूरी ने इस मेले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में एक बार फिर हस्तशिल्प से जुड़े सामान को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का हस्तशिल्प में तेजी से बाजार अपनी जगह बना रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।